ओम शांति। संगम युग पर संपूर्ण ईश्वरीय आनंद प्राप्त करने के लिए चित्त को शांत और एकाग्र करना परम आवश्यक है। ज्ञानी आत्माएं होकर भी यदि किसी का चित्त गर्म रहा, उबलता रहा, शीतल न हुआ, शांत न हुआ, तो उसको केवल अधूरा ज्ञानी ही कहेंगे। सुना है केवल ज्ञान, उस पर मनन चिंतन नहीं किया है, उसको अपने जीवन में साकार नहीं किया है। हम सभी संपूर्ण सत्य ज्ञान से संपन्न आत्माएं हैं। ज्ञान का प्रयोग करें। बाबा ने आत्मा के पाठ का ज्ञान और ड्रामा का ज्ञान भी बहुत गुह्य दिया है। उसको यूज करके हम अपने चित्त को शांत करें। इस ड्रामा में सभी का अपना अपना भाग्य है। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। चिंताएं जरा छोड़ दें। जो हो गया वो 5000 वर्ष के बाद ही होगा, उसे भुलाकर अब आगे बढ़ें। और जो होने वाला है, भले ही हमें प्रयास तो करना है, मेहनत भी करनी है, क्योंकि भविष्य हमारी वर्तमान की ही परछाई होगा, लेकिन हमारे साथ स्वयं भगवान है। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ कल्याणकारी होगा, सब कुछ हमारे भले में होगा, अच्छा हो जाएगा। ऐसे संकल्पों के द्वारा अपने को निश्चिंत करें, चित्त को शांत करें। सभी सोचें गहराई से, मेरा मन मेरा चित्त कहाँ भटकता है? प्रश्नाओं के पीछे, चिंताओं में या टेंशन में या रिलेशनशिप में गड़बड़ होने से, बच्चों के कारण, पति पत्नी के कारण या काम धंधों के कारण। ज्ञान का प्रयोग करें, अपने मन को शांत करें। आपके पास शक्ति है अपने चित्त को शांत करने की। इस शक्ति को यूज करें, क्योंकि जितना हम अधिक सोचेंगे, चिंतित होंगे, हमारी आंतरिक शक्तियां नष्ट होंगी, और जिनके लिए हम चिंता कर रहे हैं उनको हम कुछ भी मदद नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारे निगेटिव वाइब्रेशंस भी उनको जाकर और कमजोर करेंगे। इसलिए हमें अपने चित्त को शांत करके अपनी साइलेंस पावर को बहुत बढ़ाना है। ये शांति की शक्ति है। जितने हमारे मन में कम संकल्प होंगे, उतनी ही हमारी ये साइलेंस पावर बढ़ती जाएगी, और ये बहुत बड़ा काम करेगी इस प्रकृति को पावन करने में। ये बहुत बड़ा काम करेगी संसार के वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने में। इसकी बहुत अहम भूमिका होगी साइंटिस्ट को नई नई रिसर्च के लिए, सतयुगी रिसर्च के लिए अंदर ही अंदर प्रेरित करने की। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है कि साइलेंस के बल से ही साइंस आगे बढ़ती है। श्रेष्ठ योगी आत्माओं के ऐसे वाइब्रेशंस उनकी बुद्धि को जागृत करते हैं, नई नई खोज कराने में उनको सक्षम कर देते हैं, और ऑल ऑफ ए सडन अचानक ही उनकी बुद्धि में वो श्रेष्ठ बात आ जाती है जो उनकी रिसर्च के लिए बहुत सुंदर होती है। तो हम एक महान कार्य के निमित्त हैं। अपने इन कार्यों को जानते हुए हम अपनी संकल्प शक्ति को एकाग्र करें। अगर हम ज्ञानी आत्माएं, भगवान के प्यार में पलने वाली आत्माएं भी अपने चित्त को एकाग्र न कर पाई, तो संसार में तृष्णाओं के और वासनाओं के पीछे भटकने वाले मनुष्यों का क्या हाल होगा? आइए अपने सद्विवेक का प्रयोग करें चित्त को शांत करने के लिए। ड्रामा के ज्ञान का बहुत अच्छा यूज करें। और आज सारा दिन ड्रामा के ज्ञान की स्मृति रखेंगे।
ये संसार एक सुंदर खेल चल रहा है, हम इसमें हीरो एक्टर हैं। अब ये 5,000 साल का खेल पूरा हुआ, सब आत्माएं कैसे अपना पार्ट बजा रही हैं। अब सबको वापस घर जाना है, बस मैं आत्मा इस देह से निकलकर चली अपने घर बाबा के पास। ये बार बार अभ्यास करेंगे। ओम शांति।